Hey guys, once again, welcome back to Bikers World. Few days back, हम लोगों ने ये लाइट का वीडियो डाला था, मतलब रील डाला था इंस्टाग्राम पे, एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस था इस पे कि ये हेलमेट पे कैसे इंस्टॉल करना है, आप एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाइए. तो हम लोगों ने ये इंस्टॉलेशन वीडियो इसके लिए ही बना रहे कि आपको पता चल सके कि इसको हेलमेट पे कैसे इंस्टॉल करना है वो, और इसके फीचर्स क्या क्या है वो. तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको इस बैग में कंटेंट क्या क्या मिलता है. तो ओपन कर लेते हैं इसको. ये एक प्लास्टिक बैग में आएगा आपको, इस जिसमें कि आपको ये लाइट मिल जाएगा. देन आपको दो वेलक्रोस मिल जाएंगे, मेल फीमेल दोनों भी रहेंगे इसमें. मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ. सो ये मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे. ये मेल है, ये फीमेल वाला है. तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे. ये दो सेट में मिलते हैं और एक सेट मिल जाएगा इसमें. और ये यूएसबी केबल मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा. तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक हमारे पास एमटी का हेलमेट है. तो अगर आपको ये हेलमेट पे इंस्टॉल करना है तो आपको ये वेलक्रो का ज़रूरत लगेगा. इस वेलक्रो की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हो हेलमेट पे. तो आपको क्या करना है, जो ये वाला है रफ वाला वेलक्रो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको हेलमेट पे पहले इंस्टॉल करके लेना है. यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पीछे वाले साइड लगाइए, पीछे वाले साइड, क्योंकि ये बैकलाइट है तो पीछे वाले साइड बेटर रहेगा विजिबिलिटी के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है सेंटर में. तो इसको आपको सिर्फ यहाँ से निकालना पड़ेगा. यहाँ पे आपको ये स्टिक वाला पार्ट रहेगा जो कि हेलमेट पे आपके चला जाएगा. तो सबसे पहले ये इंस्टॉल करके रहेंगे. आपको सेंटर देखना है एग्जैक्टली, और वहीं पे सेंटर पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना है कुछ इस तरीके से. तो ये अभी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया. तो ये जो रफ वाला पार्ट है ये मैंने हेलमेट पे इंस्टॉल किया. देन जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो वाला हम लोग इसके पीछे इंस्टॉल करने वाले हैं. और इसमें आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको एक जगह देखने मिल जाएगा जहाँ यहाँ पे, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट है तो उन्होंने इतना जगह कट कर दिया सो दैट आप चार्जिंग पोर्ट एक्सेस कर सकते हो. तो वापस इसका भी हम लोग पीछे वाले साइड का स्टिकी वाला पार्ट है उसके ऊपर का पेपर निकाल लेते हैं पहले. और फिर इसको भी इस पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है. ये सिर्फ ध्यान में रखना कि ये जो चार्जिंग वाला पोर्ट वाला पार्ट है वो प्रॉपरली वहाँ पे ही लगा देना, नहीं तो फिर ये अगर आप कवर करोगे तो आप चार्जिंग के लिए एक्सेस नहीं कर पाओगे. सो ये अभी यहाँ पे लगा दिया है हम लोगों ने प्रॉपरली. और इसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट यहाँ पे इसको स्टिक कर देना है ऐसे एग्जैक्टली. वो पोजिशन देख लेना उसका और उस हिसाब से स्टिक कर लेना. दैट्स इट. तो ये अभी हम लोगों ने स्टिक कर दिया है इस पर. बहुत ही ईजी है इंस्टॉलेशन, और जब भी चाहिए तभी आप इसको निकाल भी सकते हो क्योंकि वेलक्रो से अटैच रहता है. और ये वेलक्रो स्ट्रांग है तो उसका टेंशन मत लेना गिरने विरने का, गिरेगा नहीं ये आपके ड्यूरिंग राइड. और बारिश में भी कुछ टेंशन नहीं रहेगा, बारिश में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो ये अभी यहाँ पे स्टिक कर दिया. तो ये इंस्टॉलेशन वीडियो कंप्लीट हो गया इसका. इसके बाद हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें मोड से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें आपको टोटल तीन मोड देखने मिलते हैं. ये जो आप बीच में देख रहे हो ब्लैक वाला, ये बटन है, इसको आपको सिर्फ एक सिंगल प्रेस करना है. तो ये फर्स्ट मोड हो गया जिसमें आपका लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहेगा. देन अगेन आप इसको प्रेस करोगे सिंगल टैप करोगे तो ये सेकेंड है. ये एक फ्लैशर मोड है, फ्लैशर मोड वन है ये. और ये इसके बाद और एक बार प्रेस करोगे तो ये सेकेंड फ्लैशर मोड है, फ्लैशर मोड टू. तो ये तीन मोड आपको देखने मिल जाएंगे. और अगेन प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा. तो अभी मैं पहले पेन के आपको दिखा देता हूँ कितना इजी है इसको एक्सेस करना. भी आप पेन के भी एक्सेस कर सकते हो. तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है पीछे से. सिर्फ आपको इसको सिंगल टैप करना है. ये फर्स्ट मोड हो गया, अगेन आप इधर सिंगल टैप करोगे. ये सेकंड मोड हो गया और ये इधर वापस सिंगल टैप करोगे तो ये थर्ड मोड हो गया. तो टोटल ये आपको तीन मोड देखने मिल जाएंगे इसमें. और बहुत ही कूल दिखता है ये, स्पेशली अंधेरे में. अभी तो लाइट है, मैं एक बार लाइट ऑफ कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ वो. तो अभी आप देख सकते हो ये अंधेरे में बहुत ही सही दिखता है. इसको और चार्ज करोगे तो ये और ब्राइट हो जाएगा.
नाइट राइड जिनका ज़्यादा रहता है उनके लिए ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। सो वापस ऊपर ऑन कर लेते हैं सब लाइट्स। सो अभी हम लोगों ने इसमें इसमें कितने मोड्स मिलते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो देख लिया। अभी हम लोग चार्जिंग देखते हैं इसका। तो यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट देखने मिलता है जो रबर सील से कवर रहता है, इसको सिर्फ आपको हटाना है। ये वाटर प्रूफिंग के लिए रबर सील दिया हुआ है तो आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ वो रबर सील को रबर सील पैक ही रखना, अगर आप उसको तोड़ दोगे तो फिर वो बारिश में आपका यूज़ करने के काम में नहीं आएगा। तो अभी मैं पावर बैंक को लगा रहा हूँ, ये रबर सील हटा दिया और सिर्फ आपको यहाँ पे इसको ये USB साथ में मिलता है केबल, ये केबल को यहाँ पे आपको लगा देना है इसमें और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। रेड लाइट ब्लिंक होगा जब भी चार्जिंग चालू रहेगा, तभी चार्जिंग जब भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइट चला जाएगा इस पे से, मतलब चार्जिंग फुल हो गया। चार्जिंग करने के लिए इसको जो टाइम लगता है वो समवेयर अराउंड आपको आधे से एक घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है और आपको जो बैकअप मिलेगा वो 6 to 7 hours का बैकअप मिलेगा इसमें, विच इज़ प्रीटी गुड इस लाइट के कंपैरिजन में। सो ये चार्जिंग का भी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये USB टाइप बी है सादा वाला, जो वायर आपको इसके साथ में ही मिल जाता है। सिर्फ आपको फास्ट अडेप्टर यूज़ नहीं करना है, ये एक प्रिकॉशन लेना है। और ज़्यादा इसको ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए या फिर ज़्यादा देर चार्ज मत कीजिए, हार्डली 1 hour चार्ज कीजिए इनफ हो जाता है, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है 1 hour में। सो दैट्स इट। अभी हम लोग इसके प्राइस रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइसिंग है वो है 500 rupees, शिपिंग का आपको अलग से चार्ज लगेगा, अगर आपको डिलीवरी चाहिए रहेगा तो डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप स्टोर पे आके परचेस करते हो तो इसका सिर्फ जो कॉस्ट जाएगा वो है 500 rupees। 500 rupees में ये बहुत ही अच्छा आपको लाइट मिल रहा है जो कि नाइट राइड के लिए भी काम में आएगा और साइकिलिंग जो करते हैं नाइट में उनके लिए भी ये काम का चीज़ है। ये आप साइकिल पे भी लगा सकते हो, आपके व्हीकल पे भी लगा सकते हो या हेलमेट पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। दो वेलक्रो के साथ आता है तो एक वेलक्रो आप हेलमेट पे लगा लीजिए, दूसरा वेलक्रो आप आपके बाइक पे लगा दीजिए और सिर्फ आपको ये वेलक्रो से यहाँ से निकाल लेना है, दूसरी जगह अटैच कर देना है, दैट्स इट। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप हमारे शॉप से भी परचेस कर सकते हो या अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हो। सो आई होप अभी आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, #GearUpYourRide।